लाइट वेट नहीं करनी चाहिए। मोटड़ू हो गया, मोटड़ू कितनी अच्छी बारिश आ रही ना। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मजे में। तो अभी निकलता हूँ जिम के लिए। शाम के बज गए 6 और नए चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस, आपको आज से इस चैनल पे मेरे पायल के सारे व्लॉग्स दिखेंगे, जितना मैं पायल घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, लड़ाई करते हैं, सारी मस्ती आपको दिखेगी। और फैमिली फिटनेस चैनल पे आपको दिखेंगे हमारे अपकमिंग वेब सीरीज की प्रिपरेशन जो हम करने वाले हैं, और आगे जाके जो सॉन्ग्स करेंगे वो भी। तो जबरदस्त से ओट्स आ गए हैं और गोलू के मुँह में पानी भी आ गया है। बेटे खाने खाने आंटी, बच्चे को ओट्स दो। जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे सारे ब्लॉग यहीं पे आने वाले हैं, मेरे, अरमान जी के और गोलू के। और फैमिली फिटनेस पे जैसा कि आपको बता चुके हैं, कुछ नया लेके आने वाले हैं। चीकू का वार्ड आएगा ना, फोटो वाला मैं गाना गाऊंगी चीकू के लिए। तो आ जाएगा। बाय आलसियों, जिम जा रहा हूं मैं। बाय बेबी। बाय गुड्डू। बाय आंटी। ये गोलू आलसी। गोलू, मैं तो जाने के लिए कह रही थी पर आपने कहा नहीं बेटा, तेरी तबीयत खराब, तू मत जा। गोलू आलसी एक नंबर की। ये बेइज्जती क्यों करो? अरे मेरी, क्योंकि इसको आदत है मेरी बेइज्जती करनी। एक नंबर की आलसी औरत है। नितिन आलसी है गोलू। देखो इसलिए जिम में जाना पड़े, इसलिए लैपटॉप के सामने बैठ गई। आलसी है क्या? वो तो है। देख ये आंटी आलसी है ना। बस आंटी आलसी है ना। देखो आंटी, आंटी मुझे माफी मत दो, कोई बात नहीं आंटी, पायल ने बोला है तो ऐसे मत करो। ये मैं तो गाइस बहुत बड़ी जंग हो गई है। तो अभी गोलू से एक सवाल पूछा जाए। गोलू, हाँ जी बोलो। क्या आप आलसी हो? बिल्कुल भी आलसी नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आलसी नहीं हूँ। मैं रोज सुबह उठ के नहा धो के ब्रश करके खाना खाती हूँ, जिम जाती हूँ। पायल कुछ इसके ऊपर कुछ टिप्पणी देना चाहते? झूठ 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 बोल रही है। तो दो दिन से ना तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। एक्चुअली क्या है, देखो आप फैमिली, आपसे कुछ नहीं छुपाना। एक्चुअली क्या है ना कि मैं भी हैवी वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं फैट बर्नर भी ले रहा हूँ साथ में, कि रिजल्ट अच्छा आ जाए। पर क्या हो रहा है ना कि फैट बर्नर से मुझे नींद नहीं आ रही, मीत को भी नहीं आ रही। क्या एक्सपीरियंस है फैट बर्नर का बता? रात को सोने नहीं देता ये। हाँ, तो उससे क्या ना तबीयत अच्छी खराब हो गई, तो मैंने बंद कर दिया। दो दिन से ले रहा हूँ, उससे क्या ना पूरी पूरी रात जाग रहा हूँ, सुबह फिर दोबारा जिम जाना पड़ रहा है, तो बॉडी में थोड़ी सी तकलीफ सी हो गई। तो अभी निकल रहे हैं घर, क्योंकि ऊपर गए थे जिम में। जिम में बहुत ज़्यादा क्राउड है, यानी कि एक ला लो एक एक मशीन पे दो दो लोग खड़े हैं। तो अपनी सोसाइटी की जिम है, वहाँ पे जाके वर्कआउट करेंगे और सोसाइटी के बाहर 15-20 चक्कर लगा लेंगे। तो गाइस ये है हमारी सोसाइटी की जिम, बहुत ही शानदार। तो काफ़ी रिजल्ट दिख रहा है मुझे बॉडी में। मेहनत डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, साथ में डाइट भी बहुत जरूरी है। ये है 177 LBS। शुरू करते कार्यक्रम। लाइट वेट, कम ऑन बॉडी, कम ऑन बॉडी, लाइट वेट। तो वर्कआउट डन हो गया और हमारा चीकू दादा यहाँ पे खेल रहा है। क्या कर रहे हो भैया? ऐसे ही कुछ खेल रही है। अच्छा चलो भाई, तुमने तो वर्कआउट भी नहीं करा, तुम कैसे थक गए? तो तबीयत खराब है ना, पैर दर्द हो रहे बहुत। कोई बात नहीं। तो भैया कुछ खाएंगे? सुबह से कुछ ढंग का आज खाया भी नहीं है, सारा दिन सोया हूँ मैं। अभी खाना खा के भी नीचे मैं कम से कम सोसाइटी के 10 चक्कर लगाने वाला हूँ। आप भी चलने वाले मैडम? हाँ जी पक्का। हाँ पक्का। आपका कोई ज्यादा इरादा नहीं रहा? मेरे टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। उस दिन वो किया ना हमने, थाई की, थाई की थी, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, ग्लूट्स किए थे, हैमस्ट्रिंग्स। तो गाइस बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैल गई है, चोर डकैत ये बिल्कुल नहीं देखते कि सामने वाला कितनी मेहनत से कमा रहा है, दिन रात घरों में काम कर रहा है। अभी अभी जो ट्रेजेडी हुई है वो आंटी खुद बताई। क्या आंटी बताई? बेचारी जा रही है काम करे, क्या जा रही थी खाना बनाया, उसको कोई दो लड़के आए मोटरसाइकिल से, एक चक्कर उधर रोकी, दोबारा आगे बढ़ी, बस वो जब सोसाइटी जो है उधर से उसका हाथे से बड़ी जब ठीक से पकड़े थी, उनके कसके पकड़े नहीं थी, कहते बहुत तेज से पकड़े थे, दोनों हाथ लगा के हाथ से छीन ले गए मेरे से। थोड़े दिन पहले गोलू की बहन के साथ भी ऐसे हुआ था, फोन छीन के भाग गए थे। वो भी मार्केट के अंदर, मेन मार्केट में थी। चल वो तो उसके साथ ये था कि फोन पे बात कर रही थी और वो पीछे से आए, वो ऐसे ले गए, पर सुलेखा के तो हाथ में फोन था ऐसे नॉर्मल। मैंने डर गई थी, पहले था वो पहले रोक के गाड़ी ठीक है, मैं फिर आगे निकल गई और फिर आगे जाके छीन लिया। देर वो पहले भी गई थी, वो देखो छीन लिया। अभी धीरज भैया ने भी ये बताया कि अभी अभी जस्ट जब बात हुई थी कि उनके भाई के साथ भी ऐसे हुआ, फोन खींचने की कोशिश करी बट वो तो बच गया उनका फोन, मतलब कि लोग आगे होंगे तो फोन वो छीन नहीं पाए। आंटी इतने एक्सपर्ट होते हैं आप, FIR भी दर्ज देखो करानी पड़ेगी, क्योंकि कल को आपके फोन से कोई हरकत ना कर देना
एफआईआर दर्ज करा दो कि हमारा फोन चोरी हुआ है, कल को उस फोन से ना कुछ कांड ना हो जाए ना। और यार ये चोरने वाले ये नहीं सोचते हैं, तुम किसका, एक नॉर्मल इंसान एक साल देखो में यार उसने... चोर चोर होता वो क्यों सोचेगा तुमने क्या किया क्या नहीं किया, अगर वो सोचने लग जाएगा तो वो करेगा ही नहीं ना। एक साल उसने सोचा है फिर जाके फोन लिया। कितने का लिया था? लाई थी 13,000 का, 700 का, 13,700 वापस रख क्या उसे, क्यों नहीं करवानी, कब करनी है, नहीं करनी, करनी है, नहीं करनी, करनी है, बच्चों के लिए नहीं होती बेटा, करनी है, नहीं करवानी, करनी है। पाल एक सेकंड सुनो, मैं मनाती हूँ चीकू, कब थेरेपी नहीं करनी, करनी है, नहीं करनी, करनी है, ये अच्छी नहीं होती, दिस इज नॉट कप थेरेपी, ये फेक है, फेक कप थेरेपी है, अच्छी कप थेरेपी है ये, पीछे से कोई इशारा कर रहा है ना आपको, मैं तो बोला भी नहीं, कैमरे में देख लेना, चलो एक एक करवा लो, चलो ठीक है, नहीं एक नहीं, इस बार डिफरेंट कप थेरेपी करें, क्या इस बार यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे बच्चे लगा देते हैं दो काउंटर पे, ठीक नहीं बेटू मत करो ना, जा लेटो फिर, ये इशारा कर रहे हैं चीकू को, नहीं कर रहा मैंने कोई इशारा, कर दो भाई, कर दो भाई, आप ही करो बच्ची को, लेट जा चीकू, आपका पायल माँ करेगी, पायल तू कर, मुझे नहीं आती करनी भाई, मैं नहीं कर सकती भाई, मैं नहीं कर सकती, इनसे नहीं होगा, नहीं अब इनको करने तो दे, नहीं चीकू उसको विश्वास नहीं है, हाथ पीछे कर ले, थोड़ा सा ना भागना भूगना शुरू कर दे, मोटड़ू हो गया, मोटड़ू चीकू कब टूट जाएंगे, टूट जाएंगे कब, कब टूट जाएंगे, कब टूट जाएंगे चीकू, ये वाले ये सॉलिड सेट हो गए हैं, मजा आ रहा है, पीछे कमर करी बेटा, कमर या लचके रे बेबी जरा बच्चे घुसा पेटे जाएगा, तो अभी जा रहा हूँ मैं नीचे थोड़ा सा घूमने फिरने, यानी कि सोसाइटी के चक्कर लगाने के लिए, आज शुभी आज वापस जा रही है क्योंकि मम्मी का कुछ ट्रीटमेंट है और मम्मी इसके बिना ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगी, मना कर रही है, तो शुभी जा रही है और हम बहुत मिस करेंगे, शुभी को बहुत सारा घुमाना था चंडीगढ़ में बट फिर शुभी घूम नहीं पाई इतना आज, तो आज हम निकले हैं थोड़ा सा इसको चंडीगढ़ दिखाने के लिए कि जाते जाते शुभी कुछ तो देखे। बिल्कुल, घर से कितनी दूर प्रोटीन बार लेने आए तुम? कम से कम 15 किलोमीटर तो होगा, है ना, है भी 15 किलोमीटर है, है जी 15। क्या कल सुबह निकलना है हमें दिल्ली के लिए, तो मैंने सोचा प्रोटीन बार होनी चाहिए, रास्ते में भूख लगे या फिर कुछ खाना पड़े, तो सोच रहा हूँ जल्दी निकलूं और फिर जाके थोड़ा सफाई भी करना फ्लैट की, क्योंकि पिछली बार जब हम होटल गए थे होटल का जो चार्जेस से बहुत ज्यादा थे, अगर मुझे वहाँ 2 दिन रहना पड़ गया तो ये लगा लो चार्जेस बहुत ज्यादा रहेंगे, जब अपना घर है वहाँ पे तो पैसे क्यों खराब करें, जाके सफाई कर लेंगे। तो भैया बाहर आ गई है बारिश जबरदस्त वाली, और लग ही रहा था जब मैं वहाँ पे वॉक कर रहा था तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हवा चल रही थी और वो बारिश में तब्दील हो गई, सुबह ज़्यादा ठंड होने वाली है, ये देखो पाल कितनी अच्छी बारिश आ रही ना यार, मेरा बड़ा मन कर रहा है काश बाहर निकल के नहा पाती मैं। एक काम कर, नहा ले फिर सीधा ऊपर भगवान के पास मिलने जाइयो। क्यों? तू वैसे भी बहुत जल्दी बीमार होती है, नहा नहीं कर मैं गिर, इसको पता है ना आप ये कितनी जल्दी बीमार होती है, थोड़ा घूमना है हाँ जी, या फिर ऊपर चले, ऊपर चले के नहा के, आपको पता है हवा कितनी तेज चल रही है, कोई बात नहीं दे दूंगी ऊपर चलो, बहुत टाइट आता है तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार, बाय, अल्लाह।